हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं 3.9 एंड व्हाट इज दिस डिटरमाइन करंट थ्रू ईच ब्रांच ओके ऑफ गिवन फिगर और किरचॉफ्स लॉज के डायग्राम को भी हम समझेंगे। तो हमें सिर्फ इतना सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है, हो सकता है आपको अदर न्यूमेरिकल्स दें तो उसमें करंट की वैल्यूज भी दी होगी। ये ईच टाइप का जो सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसकी एक बैलेंस कंडीशन होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, लेकिन दिस इज नॉट व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन। क्यों? 10/5 कितना होता है? 2, और ये हो जाएगा 5/10 मींस 1/2, तो दोनों इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं होते तो बैलेंस कंडीशन नहीं होती है। लेकिन इसको हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज ही। तो देखिए, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ए और सी एंड से, राइट? तो यहाँ पर जो हमने करंट आ रहा है, सपोज कि ये रेजिस्टेंस है, ये भी सारे रेजिस्टेंस है, 10 ohm 5 ohm 10 ohm 5 ohm, राइट ना? तो इसमें यहाँ जो करंट सपोज करके हमने कंसीडर किया, ये करंट आई आ रहा है, और ये आई क्या है ये देखेंगे, और इधर भी क्या होना चाहिए, आई भी निकलना चाहिए। ये तो हमें समझ में आता है कि बैटरी से जितना करंट एग्जिट हो उतना ही करंट एंटर हो। तो ये सपोज कीजिए आई। अब यहाँ पर हम जंक्शन रूल लगाएंगे, जंक्शन रूल लगाया तो जो 10 के अक्रॉस जो करंट गया उसको हमने बोल दिया I1, तो इधर ये क्या हो जाएगा I2। तो ओवरऑल बताइए, जंक्शन रूल में करंट क्या आ रहा था I, और एग्जिट कौन सा हो रहा है I1 एंड I2। तो ये I किसका कॉम्बिनेशन है? I इज नथिंग बट I1 प्लस I2 होगा या नहीं? चलिए, अब ये BD आर्म में जो करंट जा रहा है, सपोज कीजिए इस करंट को मैंने IG बोल दिया, तो यहाँ करंट कौन सा आ रहा था? I1। तो यहाँ कितना करंट हो जाएगा बताइए? I1 में से IG चला गया, तो I1 माइनस IG। यस, इस सिमिलर मैनर में यहाँ करंट I2 आ रहा है, यहाँ IG आ रहा है, तो इसके अक्रॉस करंट क्या जा रहा है? I2 प्लस IG। ये भी हमें समझ में आ जाता है, ये करंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जंक्शन रूल का फिर से यूज करते हैं सी पर। तो यहाँ करंट क्या आ रहा है? I1 माइनस IG। इधर करंट कौन सा आ रहा है? I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर करंट बचता है I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 को क्या बोला है हमने? I। और यहाँ पर बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। तो क्लियर है डायग्राम? अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट लॉ का यूज करके हमने ये करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, करंट लॉ बोलते हैं फर्स्ट। नाउ फ्रॉम क्लोज लूप, देखिए पहला लूप हम ये वाला लेने वाले हैं, सेकंड आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, सेकंड हम ये वाला लेने वाले हैं, और थर्ड ये लिख दूंगा मैं कौन सा लेने वाले हैं। लूप ABDE बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट? तो ये क्या जाएगा, देखिए इसकी बैटरी कुछ नहीं है, करंट कुछ नहीं, बैटरी में EMF कुछ नहीं है सर्किट में, तो डायरेक्ट हम करंट का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो 10 I1, रेजिस्टेंस इज 10, करंट इज I1। आगे देखिए प्लस, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस 5, रेजिस्टेंस से करंट IG। ये अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसा मूव करके जा रहे हैं और करंट ऐसा आ रहा है, तो माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 0। यस, एवरीबॉडी इज दिस क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 I1 प्लस IG माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हमने बोल दी इक्वेशन फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट इक्वेशन। इस सिमिलर मैनर में हम अदर इक्वेशंस भी बनाएंगे, ओके? तो अब हम लूप ले लेते हैं, फ्रॉम लूप क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं? BDCB बाय KVL। KVL का ही यूज करके हम बनाना है, बताइए फटाफट बना देता हूं। BD 5 IG प्लस 10 I2 प्लस 10 IG माइनस 5 I1 प्लस 5 IG इक्वल टू 0। यस ना? तो देखिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो माइनस 5 I1, फिर क्या है, IG वाला 5 5 10, 20 IG, और I2 कितना है? 10 I2 10
I2 is equal to 0, माइनस 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा I1, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 IG माइनस 2 I2 is equal to 0. So what is second equation? Second equation is I1 minus 4 IG minus 2 I2 is equal to 0. This is our second equation. ये equations की हमें requirement होगी. तो first और second को हमने लिख लिया है. Any doubt? Okay. In similar manner, अब हम loop लेते हैं. Now, close loop. अब कौन सा ले ले? A, B, C, E, A. A, B, C, E, A. A, B, C, E, A. Right? KVL. Kirchhoff's voltage law और second law. तो बताइए क्या है current? Resistance कितना है? 5. Current कितना है? I2. Plus resistance कितना है? 10. Current क्या है? I2. Plus IG. तो 10 IG. Yes? इधर आइएगा. रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना था I, और I क्या होता है 10 I1 plus 10 I2, और बैटरी में वोल्टेज भी है यहां पर, तो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस में आ जाएगा 10. इज दिस क्लियर? पहले शॉर्ट कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5, ये 2 बचेगा, है ना, ये भी 2 बचेगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2, और ये भी, राइट, ये भी सभी को क्लियर है. अब हमें अरेंज करना है, चाहे तो इसको और शॉर्ट कर ले, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 से डिवाइड होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.05, ये I2, ये भी 2, 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा ये 1. अरेंज कीजिएगा, तो अरेंज करने पे मुझे इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी. तो I1 पहले लिख लेते हैं, I1 प्लस I2, I2 कितना है 1 I2, 1 I2, 2 I2, नहीं पहले G वाला लिख लेते हैं क्योंकि इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए. तो IG कितना है 1 ही है ना, तो IG है ना, I2 कितना है 1 I2, 1 I2, 2, और ये 2.5 IG is equal to 1, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी. So I hope बच्चों you understood these all three equations. तीनों equations समझ में आ गई. If you understood all three equations, तो हम इनको solve करते हैं. So understood? Okay. अब solve कर लेते हैं. By equation elimination method use करते हैं by equation first and सेकंड. तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 2, तो ये एज इट इज आ जाएगा. तो 2i1 plus ig minus i2 is equal to 0. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2i1 minus 8ig minus 8i2 is equal to 0. माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, राइट ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 9 IG, राइट, और ये हो जाएगा 7, 7 I2 is equal to 0. ओके, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया, यहां लिख लेता हूं, तो 9 IG plus 7 I2, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4. ठीक है, इसमें हमने एक को एलिमिनेट कर दिया, किसको, 2I1 को. इन सिमिलर मैनर फ्रॉम equation second and third. देखिए second and third क्या है ये equation, तो इनमें तो as it is वही का वही रहना, क्योंकि इसका coefficient 1 है, इसका भी 1 ही है. तो as it is I1 plus minus 4IG minus 2I2 is equal to 0. As it is I1 plus IG plus 2.5 I2. इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा I1 plus 2.5 IG plus
आई टू इज इक्वल टू वन, माइनस करिएगा माइनस 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 और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, फोर एंड टू सिक्स, तो माइनस सिक्स पॉइंट फाइव आई जी माइनस थ्री आई टू इज इक्वल टू माइनस वन, यस ना। अब देखिएगा इक्वेशंस थोड़ा सा देख लीजिए आप सॉल्व करके, बट मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ अच्छा खासा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर कौन सी बोल दी है, फिफ्थ, राइट। अब इरेज कर दूं इसको, चलिए अभी हमें इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से हम आई वन आई टू किसी की भी इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ से देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, सो नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव आएगी, ठीक है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो सेवन इंटू थ्री आई टू इज इक्वल टू जीरो, यस। फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आई जी प्लस ट्वेंटी वन आई टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन नेक्स्ट बन जाएंगी। ऐसे ही नाइन का इसमें किया तो ये कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा 58.5 आई जी, अब नाइन का इसमें किया तो 27 आई टू इज इक्वल टू, नाइन का वन में किया तो नाइन बन जा नाइन, माइनस कर दीजिए, ये तो कैंसिल होने ही था, ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई टू और ये हो जाएगा माइनस नाइन, माइनस माइनस कैंसिल, आई टू की वैल्यू कितनी आ जानी है, यहां लिख देता हूं आई टू की वैल्यू आ जाएंगी नाइन अपॉन सिक्स मीन्स थ्री अपॉन टू एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टू, यस। अब क्या करते हैं हम आई जी निकाल लेते हैं, तो इसको रेस कर दो, समझ में आ गया यहां तक, ओके। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ बाय इक्वेशन फिफ्थ, आई जी निकाल सकते हैं तो आई जी बताइए 6.5 आई जी एज इट इज प्लस 3 इंटू 3 बाई 2, ये आई टू की वैल्यू रख दी और ये क्या है 1, तो ये आ जाएगा 6.5 आई जी प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो 6.5 आई जी 1 माइनस 9 बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 बाय 2 और ये 6.5 से डिवाइड हो जाएगा 6.5, तो आई जी की वैल्यू क्या हो जानी है, जो बी डी ब्रांच में जा रहा है 7 अपॉन 0 12 13 हो जाएगा ये, है ना 6 13, तो 7 अपॉन 13 एम्पियर ये बी डी ब्रांच में हो जाएगा, तो आई जी कितना आ गया 7 अपॉन 13 एम्पियर, हो सकता है थोड़ी वैल्यू चेंज आए बट कॉन्सेप्ट सेम आना है, है ना, ठीक है, इरेज कर दूं इसको, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर देते तो आई वन भी आ जाएगा और टोटल भी निकाल लेंगे, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट टू आई वन एज इट इज प्लस आई जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 अपॉन 13 ये माइनस आई टू की वैल्यू कितनी है 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो 2i1 ये आ जाता है 3 बाय 2 माइनस 7 अपॉन 13 और ये इसको सॉल्व करें तो 39 माइनस 14 अपॉन 26 और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा i1, तो ये कितना हो जाता है 5 115, है ना 5, डिवाइडेड बाय 52,
25 upon 52 ampere. So this is the value of I1. So what is the value of I1? 25 upon 52 ampere. What is the value of I2? 3 upon 2. And what is the value of Ig? 7 upon 13 ampere. Yeh humara current ajayega. And in this manner you can solve number of problems. So I hope you understood concept. हो सकता है कहीं एक सिंगल भी मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आपका डेरिवेशन पूरा मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है. तो एक बार थोड़ा सा आप इसको टू और थ्री प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करके देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड इन प्रॉपर मैनर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.